नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे ड्रग रैकेट पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। एनसीबी ने महाराष्ट्र और गोवा में कई जगहों पर छापेमारी की। ड्रग्स सप्लाई चेन पर लगाम लगाने में एनसीबी इन दिनों पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। इसी कड़ी में साउथ इंडियन फिल्मों की एक्ट्रेस श्वेता कुमारी को एनसीबी ने हिरासत में लिया है। श्वेता को मुंबई के होटल से पकड़ा गया। जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने मुंबई के क्राउन बिजनेस होटल में छापेमारी के दौरान 400 ग्राम एमडी बरामद किया है। एक्ट्रेस श्वेता कुमारी हैदराबाद की रहने वाली हैं और फिलहाल हिरासत में हैं। श्वेता कुमारी साउथ इंडियन इंडस्ट्री में लो बजट फिल्मों में नजर आती हैं। उन्होंने 2015 में कन्नड़ फिल्म रिंग मास्टर में भी काम किया है। दरअसल एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया कि एक्ट्रेस के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो ने कई पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया है। ब्यूरो का मानना है कि इस पूरे मामले में फाइनेंशियल एंगल से गहन जांच करने की जरूरत है ताकि पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश हो सके। वहीं इस बीच छापेमारी के दौरान एक अन्य ड्रग सप्लायर सईद मौके से फरार हो गया है। इस कार्रवाई में एनसीबी ने मौके से 400 ग्राम मेफेड्रॉन ड्रग्स और 8 से 10 लाख रुपए भी जब्त किए हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर खूब धरपकड़ हो रही है। बीते साल सितंबर महीने में सैंडलवुड की एक्ट्रेस रागिनी द्विवेदी और संजना गलरानी को भी गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों भी कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।